देखो बेसिकली इलोंगेशन के केस में क्या होता है कि एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है टोपो आइसोमरेज, या तो ये होगा टोपो आइसोमरेज, इसको हम बोलते हैं गायरेज में, ठीक है, टोपो आइसोमरेज प्रेजेंट होगा, गायरेज बोलते हैं इसको हम। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करवाएगा दोनों स्ट्रैंड डीएनए के जो होंगे, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। तो अब ये इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास होगी गायरेज की प्रेजेंस, गायरेज या टोपोआइसोमरेज जो भी। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है प्राइमर, और ये हमारे पास यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पर हमारे पास है प्राइमर, और यहाँ पर है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज जो हमने पहले इस केस में पढ़ा था, यहाँ पर इस केस में वैसे सेम है, डीएनए पॉलीमरेज थ्री और यहाँ पर प्राइमर, और यहाँ पर प्राइमर, और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थ्री है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ऊपर फॉर्मेशन होगी लीडिंग स्ट्रैंड की, अपर स्ट्रैंड में जो कॉन्टीन्यूसली फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पर फॉर्मेशन होगी लैगिंग स्ट्रैंड की, ठीक है। अब लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कॉन्टीन्यूस नहीं होगी, ये सेगमेंट्स में फॉर्मेशन होएगी इसकी, ये कॉन्टीन्यूस फॉर्मेशन होएगी लीडिंग स्ट्रैंड की, ठीक है। ये लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो फर्दर ये जो डीएनए पॉलीमरेज है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा और लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा, लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फर्दर एडिशन होगी इनकी, लीडिंग स्ट्रैंड और ये लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसमें क्या होगा कि फर्दर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी एडिशन होगी, क्योंकि हमें पता है जो डीएनए पॉलीमरेज थ्री है उसकी जो एक्टिविटी है वो 5' से लेकर 3' की डायरेक्शन में मूव करेगी। ये 5' to 3' हुआ, ये हुआ यहाँ पर 5' to 3', तो ये 5' to 3' डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी वर्क कर रही है, 3' to 5', तो ये 5' to 3' हुआ। तो इस डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी वर्क कर रही है, न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होती जाएगी और फर्दर इसमें लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये सेगमेंट्स में फॉर्म होगा, इसके आगे जो सेगमेंट्स फॉर्म होगी ये होंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रही है अपर स्ट्रैंड में, और निचले स्ट्रैंड में हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रही है, और ये हमारे पास आएगा इलोंगेशन का केस। फर्दर इस डायग्राम को हम अगर इलैबोरेट करके देखें तो लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ पर हम हेलिकेज की एक्टिविटी वर्क करिए, और ये लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, लैगिंग स्ट्रैंड, और ये सारे हो जाएंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इलोंगेशन का केस आ रहा है, यहाँ पर हेलिकेज एक्टिविटी वर्क करेगी और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स लोअर सेगमेंट पे फॉर्म होंगे और लीडिंग स्ट्रैंड ऊपर अपर सेगमेंट में फॉर्म होगा। इसके बाद आती है टर्मिनेशन। अब इसमें टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन जो प्रोकैरियोट्स के केस में होती है ये टस कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन से होती है। हमारे पास टर और टस कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होगी जिससे टर्मिनेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास होगी ओराई, ये हमारे पास आगे टर कॉम्प्लेक्सेस, कुछ 5 हमारे पास टोटल 10 टर कॉम्प्लेक्सेस होंगे, 5 टर कॉम्प्लेक्सेस राइट साइड पे और 5 टर कॉम्प्लेक्सेस लेफ्ट साइड पे, टर जे, टर जी, टर एफ, टर बी, टर सी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टोटल टर कॉम्प्लेक्सेस हैं, टर जे, टर जी, टर एफ, टर बी, टर सी, टर एच और टर आई,
और टर, ई, डी और ए, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो टर्मिनेशन होगी वो बेसिकली रेप्लिकेशन के केस में इस बेसिस पे होगी, जो ओराई सीक्वेंसेस होगी। तो इसमें टर्टर्स कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होगी हमारे पास, तो वो हमारे पास टोटल 10 टर्टर्स कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ये हमारे पास ऊपर होगी हमारे पास परमिसिव साइड, जहाँ पर आकर टर्स कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, और नीचे वाली हमारे पास होगी नॉन परमिसिव साइड। ऊपर वाली हमारे पास होगी परमिसिव साइड, ठीक है, नीचे वाली नॉन परमिसिव साइड होगी, जहाँ पर टर्स कॉम्प्लेक्स आके बाइंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारे पास टर्स कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो बाइंड करना स्टार्ट करेंगे, टर्स कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो बाइंड करना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से ये परमिसिव साइड्स हैं। तो ये टर्स कॉम्प्लेक्सेस बाइंड करना स्टार्ट करेंगे, और ये जो लेफ्ट साइड की टर्मिनेशन होगी वो यहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर रेप्लिकेशन होगी यहाँ पर जाकर राइट साइड की यहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लेफ्ट राइट फोर्क होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर जो राइट फोर्क होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके केस में हमारे पास टर्मिनेशन ऐसे फॉर्म हो रही है रेप्लिकेशन की। तो अब ये सारी थी हमारे पास इलोंगेशन। अब इलोंगेशन के केस में हमने क्या किया था, यहाँ पर 5' और 3' दो हमारे पास एंड्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर गायरेज है, गायरेज को हम टोपो आइसोमेरेज भी कह सकते हैं, जिसकी नेगेटिव सुपर कॉलिंग होगी। इसके बाद क्या होगा कि इसमें प्रेजेंस होगी डीएनए पॉलीमरेज 3 की लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद यहाँ पर ओकाजा की फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रेजेंट है, लैगिंग स्ट्रैंड निचली साइड पे फॉर्म हो रहा है। इसके बाद इस डायग्राम को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके देख लिया, ये लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन, ओकाजा की फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि टर्टस कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं टर्मिनेशन के केस में, और ये सारी यहाँ पर टर्मिनेशन हो रही है। टर्मिनेशन जो होती है इसमें बाई डायरेक्शनल होगी,